नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। अदम गोंडवी की एक मशहूर कविता की पंक्तियां हैं, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है, कोठियों से मुल्क के मेयार को मता किए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। जिस शहर में मुंतजिम अंधे हों जलवागाह के, उस शहर में रोशनी की बात बेबुनियाद है, ये नई पीढ़ी पर निर्भर है वही जजमेंट दे, फलसफा गांधी का मौजू है कि नक्सलवाद है। जी हाँ, हम आज़ादी के 77वें साल में कल जा रहे हैं, स्वतंत्रता का अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल चल क्या रहा है, दौड़ रहा है, इतनी तेजी से दौड़ा है कि समाप्त होने ही वाला है। आज 14 अगस्त है, कल यानी 15 अगस्त को यह अमृतकाल समाप्त हो जाएगा और उससे अगला काल शुरू होगा। उसका नाम क्या होगा, वो कैसे मनाया जाएगा, उसमें कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, इसकी घोषणा विश्व गुरु मोदी सर 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से झकाझक सदरी और चकाचक महाराजा स्टाइल वाले साफे के साथ ही करेंगे। सिंगोलधारी मोदी सर अब की बार राजा महाराजा की तरह 21 तोपों की सलामी भी लेंगे। वैसे मोदी सर का बस चलता तो अब तक देश को भी मार्गदर्शक मंडल में डाल चुके होते, पिछले साल ही डाल दिया होता, पिछले साल ही आजाद देश 75 साल का जो हो गया था, पर बस चला नहीं। वैसे तो मोदी सर शक्तिमान हैं, जो चाहे वही करते हैं और जो नहीं चाहते वो नहीं करते। जैसे मणिपुर नहीं जाना था तो नहीं गए, संसद में उस पर जो बोलना चाहिए था वो नहीं बोले, पर क्या करें, कभी कभी उनका भी बस नहीं चल पाता। अब कल देखते हैं कि लाल किले की प्राचीर से मणिपुर पर कुछ बोलते हैं कि वहाँ भी दांव दे जाते हैं। वैसे मोदी सर के लिए मेरे पास एक सुझाव भी है, जब गुलामी के दर्जनों प्रतीकों जैसे इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति, CRPC IPC में संशोधन, 7 Race Course Road को लोक कल्याण मार्ग में तब्दील कर गुलामी से भारत को मुक्ति दिलाई जा सकती है, तो लाल किला तो गुलामी का सबसे पुराना प्रतीक है। मोदी सर के फार्मूले के मुताबिक इस पर भी कुछ जुगाड़ मोदी सर को खोजना चाहिए। अब देखिए, मोदी सर चाहते रहे कि संसद में ना जाना पड़े, जहाँ तक हो सके संसद को अवॉइड ही किया जाए, उसमें जाना ही ना पड़े, दीवाने आम यानी कि चुनावी जनसभाओं को ही संबोधित करते रहें और दीवाने खास यानी कि संसद में ना बोला जाए, और वो कुछ हद तक इसमें सफल भी रहे। गुजरात गए, वहाँ बोले, राजस्थान भी गए और वहाँ भी बोले, पर संसद नहीं जाना था, नहीं बोलना था तो नहीं बोले, बोले वो भी क्या बोले, इसे समझने के लिए मेरे दिमाग की साबुन नानी छोटी पड़ गई। इससे तो अच्छा यही होता कि मोदी सर लोकसभा में समय बिताने के लिए करना है कुछ काम वाला अंताक्षरी ही खेल लेते, कम से कम उन्हें सुनने वालों का कुछ मनोरंजन बेहतर हो जाता। कम से कम कौन बनेगा करोड़पति टाइप, उनके जुमलों वाले अतीत और 1000 साल आगे तक वाले भाषण से तो अच्छा ही होता। वैसे बोलना भी अपने वाले मोदी सर जब चाहते हैं, जिस पर चाहते हैं उसी पर बोलते हैं, और जिस पर नहीं बोलना चाहते उस पर नहीं बोलते हैं, और मजाल कोई उनसे चू भी बुलवा ले, राजस्थान पर बोले, छत्तीसगढ़ पर बोले, पर मणिपुर पर ज़्यादा कुछ ठोस नहीं बोलना था तो नहीं बोले। यही है बोलने की स्वतंत्रता जो हमें हमारे संविधान ने हमें दी है। मोदी सर ये भी जानते हैं कि इस बोलने की आज़ादी में ना बोलने की आज़ादी भी निहित है, और मोदी सर इन दोनों आज़ादियों यानी कि बोलने की आज़ादी और ना बोलने की आज़ादी दोनों का भरपूर फायदा उठाते हैं। ये जो ना बोलने की आज़ादी है ना, ये तो अधिकतम लोग तभी अपनाते हैं जब पुलिस या फिर कोई जांच एजेंसी पूछताछ करती है, उस समय कहते हैं हम नहीं बोलेंगे, ये हमारा अधिकार है, अब जो कुछ बोलेंगे वो हमारा वकील ही बोलेगा, या फिर हम बोलेंगे तो अपने वकील के आने पर ही बोलेंगे, तब तक हमें ना बोलने की आज़ादी है। मोदी सर भी यही कहते हैं, मैं नहीं बोलूँगा, मेरे नवरत्न बोलेंगे, मुझे ना बोलने की आज़ादी है और मेरे नवरत्नों को कुछ भी बोलने की आज़ादी है। फिर वो नवरत्न जो चाहे बोलें, उलझुलूल बोलें, चिल्ला चिल्ला कर बोलें, हिंदी में बोलें या अंग्रेजी में बोलें, झूठ बोलें या टपोरी भाषा में बोलें, सभी को मोदी सर की सहमति है, सब उन्हीं की तरफ से ही बोलते हैं, लेकिन देश का विपक्ष निकम्मा है, उसे ना बोलने के अधिकार में विश्वास ही नहीं है, उसे तो मोदी सर की जितनी भी समझ नहीं है, उसे यह समझ नहीं है कि देश में, देश के संविधान में अगर बोलने की आज़ादी है तो ना बोलने की भी आज़ादी है, और मोदी सर जानते हैं कहाँ बोलने की आज़ादी का फायदा उठाना है और कहाँ ना बोलने की आज़ादी का फायदा उठाना है, और कहाँ खुद चुप रह जाना है और अपने नवरत्नों से बुलवाना है, उसी के लिए तो ये पद पाते हैं और नवरत्न कहलाए जाते हैं। तो विपक्ष ने यह जानते हुए भी कि वे हारेंगे ही, मोदी सर विश्वास मत हासिल कर ही लेंगे, मोदी सर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया,
श्री मोदी सर के श्रीमुख से मणिपुर का मां सुनने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। पर मोदी सर भी मोदी सर हैं, यूं ही विश्वगुरु नहीं बने हैं, खूब बोल बोल कर ही विश्वगुरु बने हैं। बोलने को लेकर तो उनका सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है, झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो विपक्ष ने जब उनकी ना बोलने की आज़ादी छीन ली तो वे खूब बोले, अपने सिद्धांतानुसार ही बोले, बोले खूब बोले और रिकॉर्ड तोड़ बोले, जो बोलना चाहिए था बस वो नहीं बोले, उसके अलावा बहुत कुछ बोले। मोदी सर बोलते खूब हैं, उन्होंने इस बार अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए भी अपनी आदतानुसार रिकॉर्ड तोड़ा, बोलने की लंबाई का रिकॉर्ड तोड़ा। उनसे पहले विश्वास मत हासिल करने के लिए कोई भी इतना लंबा नहीं बोला था जितना मोदी सर इस बार बोले। लेकिन मोदी सर क्या बोले, क्या कुछ काम का भी बोले या किसी को नहीं पता, पर हाँ मोदी सर बोले जरूर हैं और बहुत बोले, संसद में संसदीय नहीं चुनावी बोले। अब जब ना बोलने की कसम तुड़वा ही दी गई है तो बहुत बोले, मणिपुर तो कम ही बोले पर और बातों पर ज़्यादा बोले। देख लिया ना मोदी सर से ना बोलने का अधिकार छीनने का नतीजा, उनसे जबरदस्ती बुलवाने का नतीजा। वैसे मोदी सर पर ये आरोप कोई नहीं लगा सकता कि वे गंभीर और शालीन वक्ता हैं। यही इस बार अपनी सरकार के खिलाफ लाए गए विश्वास प्रस्ताव के जवाब में दिए गए उनके रिकॉर्ड तोड़ भाषण में देखने को मिला। मोदी सर के बारे में उनके विरोधियों और आलोचकों का यह कहना कतई निराधार है कि वे संसद में बोलने से डरते हैं। हकीकत तो ये है कि कहीं भी बोलने से नहीं डरते, बल्कि बोलने के मौके ढूंढते हैं। मोदी सर बोलना उनकी आदतों में शुमार है और संसद तो उनके लिए खेल का पसंदीदा मैदान है। संसद के मंच का उपयोग भी वे अपनी चुनावी रैली के मंच की ही तरह करते हैं। देश के संसदीय इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव पर किसी प्रधानमंत्री का यह अभी तक का सबसे लंबा भाषण रहा। दरअसल मोदी सर से जब किसी मुद्दे को लेकर वर्तमान के सवालों के जवाब देते नहीं बनता है तो वे अतीत में चले जाते हैं और इधर उधर की बात करते हुए लोगों को भविष्य के सब्जबाग दिखाने लगते हैं। मोदी सर ने अपनी पीठ थपथपाते हुए ये भी बताया कि पिछले 9 साल में उनकी सरकार के मंत्री 400 बार और खुद वो 50 से ज्यादा बार मणिपुर गए हैं, लेकिन 91वें बार वो कब जाएंगे ये नहीं बताया। अब कौन उनसे जाके कहे कि प्रभु आपके नवरत्न मंत्रियों के इतनी बार जाने के बाद भी जब मणिपुर 3 महीने से जल रहा है तो फिर आपके वहाँ जाने का क्या मतलब रह गया, काहे को सरकारी रुपयों से डीजल पानी फूको। वैसे मोदी सर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फिर कोई ना कोई भविष्य में अच्छे दिन के सपने दिखाएंगे जरूर, क्योंकि अभी तक तो उनके वादे के मुताबिक अच्छे दिन आए नहीं। वैसे वादे हैं, वादों का क्या, अपने मोटा भाई अमित शाह जी तो है ही, कह देंगे कि जुमला था। इस पर चचा गालिब की एक मशहूर नज्म की लाइनें हैं कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। देश के महान क्रांतिकारी बलिदानों से मिली स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, धन्यवाद।